सीहोर जिले के बुधनी उपचुनाव का मुकाबला आगामी 13 नवंबर को होने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रत्याशियों के उपचुनाव में 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा होंगे। इसके तहत ही आज सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य ने सपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बुधनी रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह तोमर के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे देश की आज़ादी के बाद केवल यहाँ दो ही दलों की सरकारें रही हैं और 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस विधानसभा में शिवराज जी विधायक रहे हैं। और आज ये विधानसभा का दौरा किया मैंने तो देखा कि आज यहाँ से आकर सलकनपुरी जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ी 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 बातें की गई हैं। आप रोड की हालत क्या है, आप कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर का एरिया, आप लोग खुद देख लीजिए। इसी तरह पूरी विधानसभा में विकास के नाम पर केवल फंड को रिलीज किया गया और घोटाले पर घोटाले किए गए। देखिए, मैं समझता हूँ जिन लोगों के लिए आपने दिग्गज शब्द का प्रयोग किया है वो दिग्गज नहीं अपितु मैं समझता हूँ कि एक जो उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका आप जानते हैं गुमनामी का इतिहास रहा है, वो गुमनाम वाले उम्मीदवार हैं। और दूसरे जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं समझता हूं उन पर तो जनता भी विचार करने के मूड में नहीं है। उनका इतिहास भी भगोड़ापन वाला रहा है, उनका इतिहास विदिशा लोकसभा में नामांकन वापस लेने वाला रहा है, उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय कार्रवाई की थी। और ये दोनों ही जो उम्मीदवार है इनका इतिहास जनता की सेवा का बिल्कुल नहीं रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 3-4 दशक से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ सत्ता में है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी ये क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना मैं समझता हूँ किसानों की फसलों के उचित दाम है।